कुरुक्षेत्र के कचहरी परिसर में दिन दहाड़े सीनियर एडवोकेट व बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर पर घात लगाकर तेज धार हथियार से जानलेवा हमला हो गया है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महेंद्र सिंह तंवर के बेटे एडवोकेट राहुल तंवर ने बताया कि कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत ये जानलेवा हमला किया है। वही बार एसोसिएशन प्रधान गुरतेज सेखों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और वकीलों की सुरक्षा की मांग उठाई है। उन्होंने गेट नंबर 1, 2 व 3 पर वकीलों की सुरक्षा नहीं होने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यहां सुरक्षा राम भरोसे थी, तभी अधिवक्ता तंवर पर हमला हो गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। बताते चले कि कुरुक्षेत्र जिला कचहरी परिसर में दिन दहाड़े सीनियर एडवोकेट महेंद्र सिंह तंवर पर तेज धार हथियार से जानलेवा हमले से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही आला न्यायिक व पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हमारे कोर्ट कम्प्लेक्स में ही लॉन में सारे वकील बैठे हुए थे, 10-12 सीनियर वकील बैठे हुए थे, चाय वाय जैसे आमतौर पर बैठते हैं, चाय वाय पी रहे थे। तो इतने में हमारे गांव का एक आदमी है जसमेर नांगा, प्रॉपर एक बड़ी गंडासी लेके आया और अटैक किया सिर के ऊपर। वो तो एकदम हिलने से वो टांग के ऊपर लग गया, तो कई बार उसके बाद और की उसने, तो पास में वकील साहब थे, सबने बचा लिया और इसको तैयार करके एक विशेष गुट ने भेजा हुआ था कि आज इसको ख़त्म कर दो। हमारी संस्था से कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, और पहले भी एक दो थ्रेट आ चुकी है। इसमें कुछ वकील भी इन्वॉल्व हैं, कुछ हमारी सभा के जो मेंबर हैं वो भी इन्वॉल्व, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले की प्रॉपर जाँच करके कॉल डिटेल से कहाँ कहाँ ये मुलजिम गया था, आया था, किसके कॉन्टैक्ट में था, कहाँ प्लानिंग बनी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। हमें पूरी न्याय की उम्मीद है एसपी साहब से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारा है और ये हमारी लोकल जो राजपूत सभा है हमारी, इसके मेरे फादर मैनेजर थे। तो एक विशेष गुंडा दल जो है जो सारा काबिज करना चाहते हैं इतने साल की मेहनत को, तपस्या को, वो जबरदस्ती काबिज होना चाहता है। तो उसके हमारे कोर्ट में मामले पेंडिंग है और हाई कोर्ट तक से कोर्ट मेरे फादर के हक में है, जिस बात से वो लोग चिड़े हुए हैं और इस नौबत तक आ चुके हैं। कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना से वकीलों में भी रोष? बिल्कुल रोष है जी, आम आदमी की सिक्योरिटी क्या करेगी? ये तो वकील के ऊपर अटैक है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? तो हालांकि इतने सारी सिक्योरिटी के बीच में प्रॉपर वेपन लेके 4.5 फुट का गंडासा लेके वो आ रहा है और शराब घूम रहा है, तो मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा न्याय सिक्योरिटी प्रॉपर रहे। आज लगभग 12:30-1 बजे के बीच में हमारा ओल्ड कॉम्प्लेक्स का पार्क है, यहाँ पे हमारे कई सीनियर वकील पार्क में बैठे थे। एक आदमी, जैसा कि हमें पता लगा है, जसमेर सिंह जो कि अजराणा गांव का है, उसने हमारे पूर्व प्रधान श्री महेंद्र सिंह तंवर जी जो बैठे थे उनके ऊपर लगभग 5-10 मिनट तक वेट करते हुए एक हथियार एक गंडासे के साथ उनके ऊपर अटैक किया है और पीछे मारने के लिए भी भागा है। उसको उसी समय पे सभी साथियों ने मिलके पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद मौके पे पुलिस को उसको पकड़ा दिया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन और सारा आ गया है, डीएसपी साहब आ गए हैं और एसपी साहब आने वाले हैं, और इसके साथ साथ हमारे माननीय सेशन साहब जो कि हमारे हेड हैं, उन्होंने हमारा सेशन साहब ने, हम उनके पास मिले और उन्होंने उसी टाइम एक्शन लेते हुए उन्होंने मौके का विजिट किया और जहाँ जहाँ हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्योंकि हमारा गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और इधर एक तीसरा गेट है, वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस की नहीं है और कोई भी आदमी हथियारों के साथ आ सकता है। और ये आज बड़ी ही, मैं कहूँगा, बहुत ही मंदभागी घटना है जो ये घटी है और हमारी वकीलों की सुरक्षा जो है वो पूरी तय होनी चाहिए और सारी सुरक्षा मानक होनी चाहिए और जिस आदमी ने ये अटैक किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन का और माननीय सचिव साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमलावर का कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है? देखिए, अभी हमें, मुझे पुलिस की कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। जो वो उसी गाँव का हमलावर 65-70 साल का बता रहे हैं, कितने का हो जाए 60 साल के आसपास होगा जी, उसके बाद पता लग गया मौके पे, जैसे भी होगा ना उसका पता लग जाएगा। ठीक, लेकिन इसका हमारी सुरक्षा जो है वो पूरा उसको ठीक होनी चाहिए, इसकी मेरी प्रशासन से मांग है। क्या नाम? कम है तो नहीं, हमारी सुरक्षा इस समय जो, जैसी ये घटना हुई है तो कोई भी आ सकता है हथियार लेके, इतना बड़ा हथियार 3-4 फुट की वो गंडासी थी वो लेके अगला ऊपर घूम रहा है और यहाँ पे आया है, तो हमारी सुरक्षा कहाँ रहेगी फिर? यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो हमारे गेट भी लगे हुए हैं, बकायदा गेटों के ऊपर हमारी तो शुक्र है कैमरा लगा हुआ था, तो जिसमें सारी ये घटना रिकॉर्ड हो गई है। तो मेरी प्रशासन से ही मांग है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्या नाम है सर? गुरतेज सिंह सेखों, मैं प्रधान हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.